नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब चैनल में मैं पलाश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक होगे, सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे अपने घर पे, और सब खा पी के अभी आराम शुरू होगा सभी का। तो चलिए बात करते हैं क्रिकेट जगत की। खबरें कुछ आ रही है बड़ी बड़ी, हम बात कर लेते हैं सारी एक एक अपडेट्स के बारे में, कौन कौन से है वो सारे अपडेट्स क्रिकेट जगत की। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइक बहुत आवश्यक होता है हमें। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीएल के ऋषभ पंत की। जी हाँ, ऋषभ पंत ने चेन्नई के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है अपना, जो कप्तानी के लिए हुकार भरी है, कप्तानी के लिए है तैयार। उन्होंने कहा है कि मैं कप्तानी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन चेन्नई को हराने के लिए भी काफ़ी सक्षम हूँ। चेन्नई को हराना इतना आसान तो होगा नहीं, लेकिन ऋषभ पंत ने कहा है कि माही भाई से मैं जो भी सीखा हूँ वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। माही भाई से जो भी सीखा हूँ मैं उसका काफ़ी प्रयोग करने वाला हूँ चेन्नई के खिलाफ ही, और चेन्नई को हराने का मैं दम रखूँगा और चेन्नई के हराने के लिए मैं सक्षम हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है अपने बयान में। और उन्होंने ये भी कहा है कि माही भाई से मैं जितना भी सीखा हूँ उस अनुभव का इस्तेमाल मैं करूँगा। अभी तक मैं जो टेस्ट मैचेस और ODI मैचेस खेले हैं उसका मैं सारा अनुभव का इस्तेमाल मैं करूँगा, और अभी जो कि कप्तान भी हूँ तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे कप्तानी मिल सकती है, लेकिन श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में अब मुझे कप्तानी सौंपी गई है, तो मैं इसे भुनाने का पूरा प्रयास करूँगा, ऐसा ऋषभ पंत ने कहा है। और माही भाई से जो भी सिखाऊँ उसका इस्तेमाल मैं ज़रूर करूँगा, उनकी विकेट कीपरिंग हो, उनसे जो बल्लेबाजी हो वो काफ़ी मैं सीखने का प्रयास करूँगा, विकेट कीपरिंग खास तौर पर, ऋषभ पंत ने ऐसा कहा है। तो चेन्नई के लिए अब ऋषभ पंत हराने की कोशिश करेंगे चेन्नई को, तो ये देखना होगा चेन्नई कैसे ऋषभ पंत से पार पाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन ऋषभ पंत बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से ऋषभ पंत की बातें काफ़ी चर्चे में आ रही है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं, पूर्व क्रिकेटर ओपनर रहे और अभी कमेंटेटर है वर्तमान में आकाश चोपड़ा की, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तो कई दिग्गज आप अपनी राय देते आए हैं और आप अपने बयान देते आए हैं, आप अपने कमेंट्स रखते हैं जब से आईपीएल शुरू होने की चर्चा फैली है। जब से आईपीएल ऑक्शन हुआ है तब से सारे दिग्गज आप अपनी राय रखते आए हैं, तो इसी कड़ी में आकाश चोपड़ा ने एक और राय अपनी रखी है, एक और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। तो आकाश चोपड़ा ने ये कहा है कि मुंबई से ताज छीनने का दम एक ही टीम रख सकती है और वो है इस साल दिल्ली कैपिटल्स। जी, कैपिटल्स और मुंबई के बीच पिछले साल 4 मैचेस हुए थे जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि 3 मैचों में उन्हें जीत मिली थी। तो मुंबई और दिल्ली का मैच काफ़ी धमाकेदार होता है, तो बड़ा मुकाबला भी माना जाता है मुंबई और दिल्ली का, और वैसे तो मुंबई और CSK का भी बड़ा मुकाबला माना जाता है, लेकिन दिल्ली मुंबई काफ़ी चर्चे में रहती है। तो इस साल आकाश चोपड़ा ने भविष्यवाणी की है कि दिल्ली कैपिटल्स में वो दमखम है इस साल का, उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभव वाले खिलाड़ी भी है और युवा खिलाड़ी भी अपना तेवर दिखाते हैं। तो ऑलराउंडर भी बहुत ही बढ़िया है, बल्लेबाजी भी है और
गेंदबाजी में भी गहराई है, गेंदबाजी भी काफ़ी शानदार है, स्पिनर्स है, तेज़ गेंदबाज है, पेसर्स की कोई कमी नहीं है, विदेशी तेज़ गेंदबाज है और भारतीय तेज़ गेंदबाज भी मौजूद है, अच्छे अच्छे अनुभवी गेंदबाज भी हैं। तो ऐसा उन्हें लगता है, आकाश चोपड़ा ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल दिल्ली कैपिटल्स मुंबई से ताज छीनने का दम बिल्कुल रखने वाली है और दिखा के रहेगी। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि छीन कर ही दिखाएगी, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। अब अगली खबर के बात कर लेते हैं। अगली खबर, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, इनका एक बयान आया है जो बायो बबल के दौरान सभी आईपीएल खिलाड़ी, आईपीएल जो हो रहा है उसमें बायो बबल जो बनाया गया है और उस काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है खिलाड़ियों को, तो उस पर एक बयान देते हुए सौरभ गांगुली ने कहा है कि मानसिक तौर पर सक्षम हमारे भारतीय खिलाड़ी मानसिक तौर पर बायो बबल में रहना काफ़ी सक्षम होते हैं मानसिक तौर पर। अगर देखा जाए तो विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में हमारे भारतीय खिलाड़ी मानसिक तौर पर ज़्यादा सक्षम होते हैं बायो बबल में रहने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि हम भी पहले ज़माने में जब खेलते थे तो हम भी वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे दौर पर जाते थे, हम भी उनके साथ खेल चुके हैं, रह चुके हैं, तो हमें भी पता है कि विदेशी जमीन और विदेशी खिलाड़ियों के तुलना में भारतीय खिलाड़ी हमारे काफ़ी मजबूत और मानसिक तौर पर सक्षम होते हैं। इसे ऐसा सौरभ गांगुली का स्टेटमेंट आया है, बीसीसीआई अध्यक्ष है इस समय सौरभ गांगुली और उनका स्टेटमेंट ये बताया जा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट आया है और बिल्कुल सही भी है। वैसे काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो भारतीय खिलाड़ी काफ़ी मैचेस होते हैं भारत में और काफ़ी सक्षम होते हैं भारतीय खिलाड़ी इसमें, तो बायो बबल में रहना काफ़ी मुश्किल होता है वैसे अक्सर देखा जाए तो, लेकिन हमारे भारतीय खिलाड़ी उसको काफ़ी मैनेज कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच जो ओडीआई मैचेस थे, तीन मैचों की वो ओडीआई श्रृंखला, जिसमें तीसरे मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को रन से पराजित करके तीन इस श्रृंखला में 2-1 से इस श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने अफ्रीका को 28 रनों से हराया और 2-1 से श्रृंखला भी अपने नाम कर ली। इस मैच में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 320 रन बनाए, उसके जवाब में पाकिस्तान ने 320 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने, और उसकी दक्षिण अफ्रीका केवल 292 रनों पर ही ढेर हो गई और इस मैच में पाकिस्तान ने 28 रनों से जीत अर्जित की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका हार का सामना करना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका को, उसके बाद दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने कमबैक किया, उस मैच में 193 रनों की पारी खेली थी फकर जमान ने, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे मैच जीतने में पाकिस्तान उस टाइम, और लेकिन तीसरे मैच में फिर से एक बार शतक लगाया, 101 रनों की शानदार पारी खेली पाकिस्तान की ओर से फकर जमान ने, कप्तान बाबर आजम ने 94 रन बनाए और वो मैन ऑफ द मैच चुने गए और मैन ऑफ द सीरीज का तो साथ गया फकर जमान के सर पर, क्योंकि फकर जमान ने जिस तरह की पारी खेली कुल तीनों मैचों में तो वो काफ़ी लाजवाब पारी है, ज़बरदस्त पारी थी, तो इस वजह से फकर जमान मैन ऑफ द सीरीज रहे इस टूर्नामेंट में। तो बढ़िया मैच रहा और 28 रनों से हरा कर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की पाकिस्तान ने। और आप बात कर लेते हैं विमेंस टीम की, विमेंस टीम ने फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा कर रिकॉर्ड फिर से बना दिया है, 18वीं सीरीज अपने नाम करने वाली ऑस्ट्रेलिया बन गई है, 18वीं बार सीरीज अपने नाम की ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की श्रृंखला में अब दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को हरा कर
ऑस्ट्रेलियन श्रृंखला अपने नाम कर ली है, दूसरे मैच में हरा कर श्रृंखला अपने नाम कर ली है ऑस्ट्रेलिया ने, तो न्यूजीलैंड को हरा कर और 18वीं बार ये सीरीज अपने नाम किया है और ये रिकॉर्ड बन गया है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऐसी कुछ खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, कुछ ऐसी टॉप खबरें के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं लाइक किया होगा अब तक तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। धन्यवाद।